हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर 8th क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ मैप क्लास एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव अ मैप एंड वी विल टेक थ्रू द मैप क्लास एंड वी विल लर्न समथिंग न्यू एंड the sea, the ocean, the boundaries of India, the international border and the states of India and also UTs, that is called Union Territories. Okay, तो जो सबसे important बात थी students, वो इस चीज़ को आप पहले ऐसे समझने की कोशिश करें कि जब आपके पास एक इस तरह का खाली मैप होगा, ठीक, अगर इस तरह का आपके पास एक ब्लैंक मैप है तो आप कोशिश कर पाएंगे कि आप बहुत प्रॉपरली लर्न कर पाएंगे, अच्छे से आप बहुत अच्छा लर्न कर पाएंगे स्टूडेंट, ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो आपने कलरफुल मैप देखा है उस कलरफुल मैप को मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, वो सारी की सारी चीज़ें फिर आपको इस तरह के मैप, ये आपको बेटा बाय कर लेना है मार्केट से, इस तरह का मैप, ये पॉलिटिकल मैप है बेटा, आप देख सकते हैं इसमें सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज दे रखी हैं और ये बिल्कुल ब्लैंक है। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भरनी है और प्रैक्टिस करनी है आपको अपने घर पे, और जो प्रॉपर तरीका आपको बताया जाएगा स्टूडेंट्स, आप उसी वे पे अपने आप को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि आपको मैप की चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो गई हैं, मैप की बहुत सारे स्किल आपके अंदर आ चुके हैं, ताकि जब आप 9th 10th में जाएंगे तो आपके जो मैप क्लासेस के अकॉर्डिंग मार्क्स डिवाइडेड होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको आप अच्छे से कर पाएँ, वो प्रैक्टिस हम अभी से करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम अब इस चीज़ की बात करेंगे कलरफुल मैप की, ठीक, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स और फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें हम प्रॉपर समझते चलेंगे। बेटा ये इंडिया का मैप है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ दी है, हमेशा मैप पे यहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है, दैट मीन्स कि इस मैप को अगर ये मैप आपके अगर चेहरे के सामने आपकी आँखों के सामने है तो दैट मीन्स इधर ये नॉर्थ है, ठीक, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है और जो साउथ वाला पार्ट है वो आपका साउथ का है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सीखने के लिए, वो तीन चीज़ें हैं जो आप सबसे पहले लर्न करेंगे। अगर आप वो चीज़ों को सबसे पहले तीन चीज़ें लर्न कर लेंगे, एग्जैक्टली नॉट सेइंग कि आप लर्न कर लेंगे, लर्न मतलब सीखना, याद करना नहीं, सीख लेना, जब आप उसको प्रॉपरली सीखेंगे, लर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें बेहतर आ रही हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, को जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है अब उसके दो हिस्से हो गए, और आपने हमेशा सुना होगा कि जो पाकिस्तान है वो हमारे वेस्ट की तरफ है, तो पाकिस्तान से जो हिस्सा लगता है वो जम्मू एंड कश्मीर वाला मेनली पोर्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा वेस्ट की तरफ जो पार्ट है बेटा वो जम्मू एंड कश्मीर का है, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है नॉर्थ और ईस्ट से लगा हुआ वो आपका लद्दाख है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 UTs में डिवाइड कर दिए गए हैं, अब वो यूनियन टेरिटरी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जे एंड के स्टेट भी रहेगा, यूटी भी रहेगी, दोनों हैं। तो इंडिया में इस टाइप 28 स्टेट्स हैं बेटा और 9 UT है, पहले 29 थे ना, अब 28 हैं, 2 UT है, वो यूटी कौन सी है बेटा, आपकी लद्दाख है एंड जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये दो चीज़ आप सबसे पहले सीखेंगे, ठीक, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपके लिए हो गई। अब जो इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ आती है आपके सीखने के लिए, वो होती है कि इंडिया के तीन डायरेक्शंस में जो आपका वाटर बॉडी पार्ट है, वाटर बॉडी पार्ट समझते हैं आप, मीन्स आप देखेंगे कि इस साइड पूरे साउथ में यहाँ पर ये बेटा इंडियन ओशियन है। अब जो एम्प्टी मैप था ना, ब्लैंक मैप, उसमें आपको ये सब चीज़ें फिल करनी है, यहाँ पे तो नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे श्रीलंका से नीचे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, मैं तो बस आप, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने आपको लिख के यहाँ पे बताया है। ये साउथ वाला पार्ट यानी इंडियन ओशियन है, वो किस साइड है बेटा,
साउथ में। आपको हमेशा ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के साउथ में है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। पहली चीज़ तो इंडियन ओशन सीख लिया, तो इंडियन ओशन है ये, महासागर है, ठीक। अब दो चीज़ें और हैं बेटा। ये वेस्ट पार्ट है, तो यहाँ कौन सा सी है आपका? अरेबियन सी। कौन सा सी है? अरेबियन सी। और जो ईस्ट की तरफ एक दूसरा सी है, उसका नाम क्या है बेटा? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल किस साइड है? ईस्ट की तरफ। अरेबियन सी किस साइड है? वेस्ट की तरफ। आपको याद है ना, आपकी आंखों के सामने जो इस टाइम मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर साइड बेटा नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक। अरेबियन सी के किनारे ही मुंबई है, या आप ये कहें कि मुंबई है उसका जो किनारा है वो अरेबियन सी से टच करता है, ठीक। जो चेन्नई है उसका किनारा बे ऑफ बंगाल से लगता है, और जी पुडुचेरी है, और ये सॉरी यनम, पुडुचेरी और ये कराईकल हैं, ये सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में लगते हैं, ठीक। आपने तीन चीज़ें सीखी, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी, ये समुद्र है, ये बेटा महासागर है, ये समुद्र है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये भी समुद्र है, कहाँ है? ईस्ट में। तीन चीज़ें सीख ली आपने, ठीक है। अब आपको इसके बाद ना एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डायरेक्शंस को डिवाइड करना। डायरेक्शंस को डिवाइड करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे डायरेक्शंस कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? आप स्केल का यूज़ करेंगे, अपनी पेंसिल का यूज़ करेंगे, और इंडिया को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? आप स्केल रखेंगे और प्रॉपरली उस लेन को इस तरह से कुछ खींच देंगे। मेरा लाइन, क्योंकि बहुत प्रॉपरली सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे तमिलनाडु से डिवाइड करता हुआ। तो बेटा ये तो हो गया नॉर्थ वाला साइड, और ये वाला साइड कौन सा हो गया? साउथ वाला, ठीक, नीचे वाला। अब एक गुजरात से होते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे कर। तो ये लाइन कौन सी हो गई? ईस्ट वाली। और ये लाइन कौन सी हो गई? वेस्ट वाली। अब ये मेन फोर डायरेक्शंस आपके आपके सामने हैं, तो आपको यहाँ से यही चीज़ सबसे पहले सीखनी है। आपको जानना है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे लर्न करनी है, समझनी है। आप जितना मैं आपको देखेंगे समझेंगे, उतना बेस पे आपको चीज़ें अच्छी आएंगी। इसके बाद क्या है, अगर आप कोशिश करें कि नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट हैं, तो आप बताएंगे दो यूटी हैं सर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ चंडीगढ़ है, वो भी यूटी है, वो भी नॉर्थ में। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और उत्तर प्रदेश भी है, ठीक। ये सारा हो गया। अब वेस्ट की बात करें तो सर वेस्ट में राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, तीन स्टेट हो गए। साउथ की बात करेंगे तो साउथ में एक्सट्रीमली केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना भी कह सकते हैं, गोवा भी कह सकते हैं। अब जब ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में कौन कौन से जाएंगे स्टेट बेटा, ज़रा ध्यान से देखो। उड़ीसा जाएगा, झारखंड जाएगा, बिहार जाएगा, वेस्ट बंगाल जाएगा, आपका मेनली यही स्टेट जाएंगे, सिक्किम। और जो ये वाले स्टेट्स हैं ना, ये नेम सेवन है, इनको सेवन सिस्टर स्टेट बोलते हैं, जिसमें असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। बेटा ये आते हैं नॉर्थ ईस्ट के आपके स्टेट्स। कौन से स्टेट्स? नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि ये ना इंडिया से फार ईस्ट और नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ क्यों? क्योंकि जो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन जाती है, आपको सिखाएंगे, ये आपने वैसे सिक्स सेवन्थ में सीखा हुआ है, तो उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाला पार्ट है वो साउथ इंडिया है। तो क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये सब नॉर्थ में है और ईस्ट में है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये तो फोर मेन डायरेक्शंस थी, फोर मेन डायरेक्शन। फिर ना कुछ कॉर्डिनल पॉइंट्स होते हैं लाइक ऐसे, तो ये लाइन किसके बीच में है? नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में, इसलिए इस लाइन को क्या बोला है? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही यहाँ से एक लाइन जाएगी। अब ये लाइन किस किस के बीच में है? वेस्ट और साउथ के। तो ये लाइन कौन सी हो गई बेटा? साउथ वेस्ट। ऐसे ही यहाँ से ये लाइन जाएगी। ये लाइन किसके बीच है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच। तो ये कौन सी लाइन होगी बेटा? नॉर्थ वेस्ट। और फाइनली एक ये वाली लाइन। अब ये लाइन किसके किसके बीच है? साउथ और ईस्ट के बीच। तो ये लाइन कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट।
ये जो आपकी लाइंस हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, बेटा ये सारी लाइन जो है वो इंटरमीडिएट कॉर्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, और ये सिक्स क्लास में है ज्योग्राफी में जो मैप वाला चैप्टर है, आपने वहाँ चीज़ें लर्न की होंगी। ये सारी लाइंस को आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल अपने एम ब्लैंक मैप पे बेटा इस तरह से ड्रॉ करना है, और उनकी साइड जो डायरेक्शन है उनको लिखना है प्रॉपर, ठीक है। आप प्रॉपरली लिखेंगे और इस वर्क को आपको पेस्ट करना है अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक में उस ब्लैंक मैप को, ये चीज़ें फिल करेंगे। तो 3 C आपने सीखे, 2 C और 1 ओशियन जो साउथ में। फिर आपने सीखा सर डिवाइड करना, सर ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये वेस्ट वाली लाइन है और ये ईस्ट वाली लाइन। फिर आपने सीखा इसके बीच में एक लाइन है, ये है नॉर्थ ईस्ट वाली। सर आपने एक और लाइन खिंचवाई थी, ये है बेटा आपकी साउथ वेस्ट वाली, ये लाइन है आपकी साउथ ईस्ट वाली और ये लाइन है आपकी नॉर्थ वेस्ट वाली। इतनी सारी लाइंस हैं स्टूडेंट्स आपकी, मेन 4 डायरेक्शंस के बाद अदर 4 इंटरमीडिएट कॉर्डिनल पॉइंट्स होते हैं। इसके बेस पे आप इंडिया को डिवाइड करके आप बता सकते हैं कि साउथ के स्टेट्स हैं ये, वेस्ट के स्टेट्स हैं ये, ईस्ट के हैं ये, नॉर्थ ईस्ट में ये, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले सीख लेनी है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपनी पेंसिल से अपने स्केल की हेल्प से आप ये सब ड्रॉ करेंगे और आप उसको प्रॉपरली समझेंगे और इनको मेंशन करेंगे ब्लैंक मैप पे इंडियन नीचे इंडियन ओशियन को, ठीक है। इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो एक छोटा सा देखिए इस पर इंडियन ओशन लिखा हुआ है, देखिए लिखा है ना नीचे, हाँ अब थोड़ा सा इसको दिखाई दिया। अब ये लिखने के बाद आप दो अब यूटीज़ की तरफ जाएंगे। यूटीज़ शुरू में ना वैसे तो 9 है, तो हम 3-4 सीख लेते हैं आज के लिए, बाकी धीरे धीरे कल सीखेंगे। देखो ये अरेबियन सी वेस्ट की तरफ है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे जो आइलैंड है वो कौन सा है बेटा, अंडमान निकोबार आइलैंड, पूरा यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे आइलैंड्स में फैला हुआ है, और उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड की, पोर्ट ब्लेयर। बेटा ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, किस साइड, ईस्ट की तरफ, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है बेटा, कवरत्ती, इसको कवरत्ती भी बोल देते हैं, कवरत्ती। किस सी में है, अरेबियन सी में, कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में, आसान है लर्न करना। फिर आता है पुडुचेरी, पहले इसका नाम पौंडीचेरी था, बस पुडुचेरी है, तो बेटा ये तो ईस्ट की तरफ हो गया, है ना। कौन से कोस्ट से मिलता है, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट से मिलता है, कौन सी यूटी, पुडुचेरी। तो बेटा यूटी की जब बात आई तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, आपने 3 यूटी के बारे में सीखा, और 2 यूटीज़ पहले सीख चुके हैं आप, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। इनकी लोकेशंस को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप लर्न कर लेंगे तो उस जो आपके पास ब्लैंक मैप होगा बेटा आप उसमें भरेंगे, कौन से मैप में, जो ब्लैंक मैप आप लेंगे आप ख़रीदेंगे 1 रुपये 2 रुपये वाला, उसमें आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है इसी क्लास को देख के प्रॉपरली, और वो आपको मैप पेस्ट करना है। आज के लिए सिर्फ इतना सीखेंगे आप, और ऐसे ना आप कम से कम 4 या 5 मैप ख़रीद लेंगे, ठीक, 4 to 5 मैप को आप बाय कर लेंगे और वो आपके पास होने चाहिए। डेली बेसिस पे जो क्लास जा रही होगी, तो जो क्लास जा रही होगी उस क्लास के बेस पे आपको वो सारी चीज़ें आपको फ़िलअप करनी है, और जब वो चीज़ें फ़िलअप हो जाएंगी तो आप उसको ज्योग्राफी की नोटबुक पे इस तरह से पेस्ट करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, और आज के लिए इतना ही सीखेंगे, क्योंकि अभी तो आगे बहुत कुछ सीखना है इसमें हमें। और देखो यहाँ पे फिल करना कितना आसान है, इस वाले मैप में तो सारी चीज़ें प्रॉपरली दे रखी हैं, आप बता सकते हैं ये कौन सा आइलैंड है, और ये पूरा यहाँ पे कौन सा सी है, यहाँ पे कौन सा सी है, ये कौन सा आइलैंड है, और यहाँ पे जो ये है ये कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूटी है, ये भी यूटी है, ये भी यूटी है, और नीचे यहाँ पे कौन सा ओशियन है, ठीक। इस चीज़ के बाद आपको यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में ये भी शो करना है कि ये वाली यूटी कौन सी है और ये वाली यूटी कौन सी है, क्योंकि अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, पहले फुल एंड जम्मू एंड कश्मीर था बट अब ये J&K और लद्दाख हो गया है। और आपको मेनली जो डायरेक्शंस है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट उसमें डिवाइड भी करना है, स्केल से खींचना है, बहुत अच्छा लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद ही आप मैप को फिल कर पाएंगे, ओके। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे,
और इतना फिल करने के बाद अपने वर्क को आप दिखाएंगे। नेक्स्ट डे आपको स्टेट्स की बाउंड्री और फिर उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में आपको सिखाएंगे और फिलअप करवाएंगे। थैंक यू क्लास।